क्योंकि कुरान कलाम अल्लाह दी है, जबान काली कमली वाली सरकार दी निकली। कुरान पाक तो वड्डी कोई किताब नहीं, कोई इलम नहीं, कोई जिक्र नहीं, इस तो वड्डा कोई इलम ना सन पता ना होर के सन पता। असी तो यही सुने कि कुरान तो वड्डा कोई इलम नहीं। असी अल्लाह पाक ने मनदे आ, हजूर पाक ने मनदे आ, वजह तखलीके कायनात ने मनदे आ, ओदे कुरान ने मनदे आ, ओदे औलियाए किराम ने मनदे आ। और मेरे भाई निके होने सारे मदारी वेखी है कि नहीं वेखी, और स्कूल पढ़ते हो मदारी वेखी है ना, वो मदारी कर दे ना, वो त्रै गोलियां होनी रख दे उत्ते डब्बी रख के चैन दे ते थले गोली एक भी नहीं होंगी, वो अस्तली ते रख के चुर जी करके दबैन दे तो अगले दे बोझे च निकल आती है। इन ही कर दे ना, कई वेखी उसी कई जलसों में वो कई गिलास का पानी होंगे पलट देन तो असं समझने पानी सट्टन लगा बिचो ढह गुलाब के फुल पाते बड़ा काम है ना। तो जे थोड़े कोई वो पीर को जाते हो ना, जिस पीर भेस वटाया होंगे जुल्फा रखी होंगे दाड़ी धुनी तक होंगी गले च पटका भी पाया होंगे ओद को जो जाते हो ना अमल आता वो आखसी तेरे हथने बच्चे तेरिया हथनिया बच्चिया तुम आखसो वो बड़ा पहुंच वाला पीर इसन तो बड़ा पता। ओ भाई ये सारे काम विखा के तो फिर इंज क्यों आता अल्लाह वास्ते कुछ दे ना, जे इतनी ताकत ओदे विच है तो इंज क्यों आता। जादू जादू हो जाता, जादू कहना आख्या जाता, कुरान नो उल्टा पढ़ना जादू आख्या जाता। तो जेड़ा कुरान नो उल्टा पढ़े वह मुसलमान है या काफर है, ते काफर कोल जाना नालो मर जाना बेहतर है या उहदे कोल जाना बेहतर है। और रिज़क कदी भी किसान वक्त तो पहले और नसीब तो बगैर नहीं मिलता, भावे जितने दिल से जतन कर लो। जदों उहदे ते मेहरबानी हो जाती बादशाह दी, खुदा दी कसम दुनिया उसन चकदी भी रही ते रिज़क उसन उहदे ना रहिंदा। वह बेशक कुछ भी ना करे, वह सिर्फ तकवा रख लवे उहदे ते, क्योंकि असी आप जो वेख्या कि सैदन वली दे बच्चे मीरा बादशाह और चंद बादशाह का दौर मैं वेख्या, भावें छोटा भी मैं विच काफी पीर भाई हैं जिन्हें वह दौर वेख्या कि कितना मस्कीनी चो ना अपना दौर गुजारिया, कितना मस्कीनी गुजारिया सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने कोई गड्डियां ना आंदियां। साडे चाचा जी साइकिल ते आंदे जांदे आ, साडे शाहरी मीरा शाहरी जिहड़े नो मैं आप वेखे या घोड़े ते जांदे आ, उस वक्त ते सवारियां होंदी कोई ना, या टांगे ते जांदे होंदे उन्हां अपने पीर भाईयां कोल जांदे आ, जिहड़े मुहब्बत वाले लोग उन्हां नूं बुलांदे आ उन्हां कोल जांदे आ। इतनी मुश्किल विच वी उन्हां अपना सिलसिला चलाया, इस सिलसिला तरीकत जिहड़ा इसने छड्डिया नहीं, जिहड़ी साडी तरीकत है उसने नहीं छड्डिया, इसने निभाया। अज उन्हां दे कदमां दा सदका असीं इस मकाम ते पहुंचे। मैं कसम चा करदा बादशाह दी जगह ते बह के कि मैं मीरा बादशाह दी दुआ नाल पीर बनया, मेरे च कोई होर क्वालिटी नहीं, ओदी मेहरबानी ओदी निगाह नाल। और जितने भी संगी हजूर मीरा सरकार दे और चंद बादशाह दे गुलाम बिलखसूस मैं पता है कि वह खुश होने कि उन्होंने पीर का दरबार बनता पे। तो मैं वो जिमें साडे कोल इक इरशाद कवाल आंदा, वह आता शाह जी मैं बुला को सा कि शाह जी मैं पैसे नहीं चाहिए, मैं दात चाहिए। हकीकत है कि मैं थोड़े को पैसे नहीं चाहिए, ना मैं चंदा मंगया ना मैं किसी ने आख्या, मैं तो लिख के लाया कि मैं चंदा नहीं चाहिए, तुसी सिर्फ ये दुआ मंगनी है। अज बादशाह दे बूहे ते आए हो, अपनिया भी अर्जा लेके आए हो, तो नाले भी दुआ मंगनी कि बादशाह मेरी ये ड्यूटी कबूल भी करन और मैं इतनी जिंदगी अता करन के मैं मुकम्मल कर छड़ा। अल्लाह जानदा कि मेरे बुजुर्गों की बहुत कम उम्र हुई है, साडे पूरे खानदान में ते 54 साल तो उम्र हो गई, कोई भाई पता नहीं केड़े वेले कोई पता नहीं, लेकिन दुआ है कि बादशाह मेहरबानी करन, इतनी तौफीक अता फरमा देन कि साडे कोल बादशाह का काम मुकम्मल हो जाए। क्योंकि सन पता सैदन वली का सबक दस्से लैके जड़े जने टुरे रहे, इंशाअल्लाह ताला उन्हों का काम भी मुकम्मल आना और उन्होंने नस्लों पर भी बड़िया मेहरबानियां होनी। और मेरी ये दुआ है
कि मोमन फरीद तो लैके जितनी औलाद चंद मीरा बादशाह दी अल्लाह पाक उन्हें सलामत रख और इन्हें सेहत कामला भी अता फरमान ते सन तौफीक भी मालिक देवे कि असी उन्हें नक्शे कदम ते चलिए और सन एक दूजे नाल मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमान बिलखसूस पीर सदा हुसैन ने मालिक सेहत देन कलीम साहब ने सेहत देन और जितने भी अज तुसी बादशाह दे बच्चे आए हो इस बूहे ते मालिक दुआड़ियां भी मुश्किल आसान करन लेकिन ए जरूर मेरी इस्तदा है दुआड़े के कि मीरा चंद दे गुलाम ते दिलो खुश होने ही हैं लेकिन जे अज खुश हो ते जरूर मेरे वास्ते भी दुआ करया है कि मैं अखीर गुनागार दी मैं बड़ा गुनागार हाँ कि मेरी ये ड्यूटी भी कबूल कर लैन और मैंने ड्यूटी मुकम्मल करन दी तौफीक भी अता फरमैन और टाइम भी अता फरमा दे हुण मेरे अज़ीज़ दुआ मांगो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद या अल्लाह हुजूर मुहम्मद मुस्तफा दी रहमत दे सदके हुजूर मखदूम साबर पाक दे सबर दे सदके अज मेरे समेत जितने हाजरीन वली अल्लाह दे बूहे ताए जो जो अपने दिल विच ख्वाहिश लैके आए अगर गलत ख्वाहिश है तो मेरे मालिक अपनी मेहरबानी नाल दुरुस्त फरमा दे हर एक की ख्वाहिश पूरी फरमा या मालिक बीमारां नूं शफा दे बे औलादां नूं औलाद दे कर्जदारां दे कर्जदार और सन और साडी औलाद नेक राह ते चलन दी तौफीक अता फरमा या अल्लाह साड़े दिलों में इश्क़े मुस्तफा पा दे या अल्लाह साड़े दिलों में अपने मुर्शिद की मुहब्बत पा दे मेरे मालिक हशर वाले दिन हजूर मुहम्मद मुस्तफा की शफात नसीब फरमा या अल्लाह असी निस्बती लोग हैं सन हजूर मखदूम साबर पाक हजूर सैयद शाह मरदान बादशाह और सैदन वली दे झंडे का साया नसीब करे या मेरे मालिक जितनिया भी परेशानियां लोग लेके आए अपने नाम दी लज रख मेरे मालिक उन्होंने परेशानियां दूर फरमा दे ला इला इला अंत सुभानका इन्नी कुंत मिनज़ ज़ालिमीन सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरुल खल्क़ी नूरे अर्शी।